हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं आपके हाल चाल बहुत 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 ज्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम अपने लॉगरिथम के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि आज हमारा लॉग का टॉपिक काफी कुछ बाइंड अप हो सके। लॉगरिथम की क्लास में, अभी तक की क्लास में हमने लॉग के बारे में एक चीज सीखी कि लॉग होता क्या है। लॉग के बारे में अगर डिस्कस करें तो लॉग एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू टफ से टफ कैलकुलेशन को हम सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं। अगर लॉग की बात करें तो लॉग की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती दोस्तों। लॉग की अपने आप में कोई वैल्यू कभी नहीं होती। लॉग ऑफ समथिंग की तो वैल्यू होगी, लेकिन लॉग की अपने आप में कभी कोई वैल्यू नहीं होगी दोस्तों, ठीक है ना। तो लॉग का मतलब क्या होता है ये सब डिस्कस कर चुका हूं। एक बार फिर भी थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। तो लॉगरिथम की बात करें तो लॉग इज अ मेथड बाय विच वी कैन सॉल्व द टफेस्ट कैलकुलेशन इन अ वेरी सिंपल मैनर। लॉग कहता है, ध्यान रखिएगा, हमारे पास जो लॉग टेबल अवेलेबल है वो बेसिकली दो बेस में अवेलेबल है। एक ऑन द बेस ऑफ 10, एक ऑन द बेस ऑफ ई। बेस ऑफ 10 कब यूज किया जाता है? जब कोई कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में बात होती है। बेस ऑफ ई कब यूज किया जाता है? जब किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में बात होती है। अगर आपको बेस गिवन है तो बात ही खत्म हो गई, लेकिन अगर आपको बेस गिवन नहीं है तो उस कंडीशन में आपको ये देखना पड़ेगा जो लॉग है वो उसके साथ में कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है या कोई वेरिएबल क्वांटिटी है। जैसे अगर मैं बात करूं लॉग 5 और यहां लिख दूं 3, तो बात ही खत्म हो गई। इन दोनों टेबल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है लॉग 5 की वैल्यू पूछ रहा है टू द बेस 3, माने स्टैंडर्ड किसको माना गया है? 3 को माना गया है। अगर हम लिखे लॉग 7x, ये एक वेरिएबल क्वांटिटी हो गई, और यहां लिख दिया बेस बी, तो बात ही खत्म हो गई। अगर बेस गिवन है तो बात खत्म हो गई, लेकिन अगर लिखा हुआ है लॉग 3 और कोई बेस गिवन ना हो तो बेस ऑटोमेटिक क्या माना जाएगा? 10 माना जाएगा। ऐसे ही अगर लिखा हुआ लॉग एक्स स्क्वायर और कोई बेस गिवन ना हो तो बेस चाहे आप लिखो या ना लिखो, बेस क्या माना जाएगा? ई माना जाएगा। बात समझ में आ गई। ये सारी बातें आपकी मेरी डिस्कस हो चुकी है। अब लॉग कहता है कि साहब, अगर मेरे थ्रू टफ से टफ कैलकुलेशन को सिंपल वे में सॉल्व करना है तो मेरे कुछ फंडामेंटल रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। रूल्स का मतलब रूल्स, नो इफ नो बट। तो फंडामेंटल रूल्स ऑफ लॉगरिथम की बात करें तो हमने कुछ रूल्स पढ़े थे लास्ट क्लास में। फंडामेंटल रूल्स ऑफ लॉगरिथम, फंडामेंटल रूल्स ऑफ लॉगरिथम। यहां जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सभी बच्चे जरा ध्यान से देखिए, सोहेल शेख, दिव्या मोदी, प्रियांशी क्रिएशन, काव्य अरोड़ा, आयुष राजपूत, अजंक्य, रोशनी शिवलेक्स, राधिका, जितने भी बच्चे यहां पढ़ रहे हैं पहले मुझे इस बात का जवाब दें कि सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है। हाँ जी, सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है। दूसरी बात, आप सभी को मैंने जो इंडाइसेस का टॉपिक कराया था दोस्तों, वो इंडाइसेस का टॉपिक आपने कर लिया। आप दुनिया की किसी बुक से क्वेश्चन करिए इंडाइसेस के क्वेश्चन दुनिया की किसी बुक से करिए, आपके इंडाइसेस के क्वेश्चन आपसे हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो एम टाइप करिए, नहीं हो पा रहे तो डी टाइप करिए। अगर हो पा रहे हैं तो एम टाइप करिए, नहीं हो पा रहे हैं तो डी टाइप करिए, तब जाके हम लॉगरिथम के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अगर सभी के इंडाइसेस के क्वेश्चन हो पा रहे हैं तो एम टाइप करिए, और नहीं हो पा रहे हैं तो डी टाइप करिए। काव्या अरोड़ा जी, इससे बड़ी स्क्रीन नहीं हो सकती, स्क्रीन बड़ी कर लीजिए। कहां से बड़ी कर ले, इससे बड़ी स्क्रीन हो ही नहीं सकती। सभी लोग जवाब दें, इंडाइसेस के क्वेश्चन आप लोगों से हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। रोशनी बानो जी लिख रही हैं डी, बाकी सब लिख रहे हैं एम। वेरी गुड, चलिए आगे शुरू करते हैं।
तो फंडामेंटल रूल्स ऑफ लॉगरिथम की बात करें तो हमने इसमें कुछ फंडामेंटल रूल्स पढ़े थे। पहला रूल पढ़ा था कि लॉग के साथ अगर कोई दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई में है तो आप उसे किस में करके लिख देंगे, प्लस में करके, लॉग एम प्लस लॉग एन। ऐसे ही लॉग कहता है मेरे साथ कोई दो क्वांटिटी डिवाइड में है तो आप उसे माइनस में करके लिख देंगे, लॉग एम माइनस लॉग एन। ऐसे ही अगर मैं बात करूं लॉग एम टू दी पावर एन तो ये एन आगे आ जाता है तो इसे कहते हैं एन लॉग एम। ये तीन फंडामेंटल रूल्स हमने पढ़े थे, ये तीन फंडामेंटल रूल्स हमने पढ़े थे। हाँ जी सर, ये लैग बहुत ज्यादा आ रहा है। जिन जिन बच्चों ने इंडाइसेस की क्लास अटेंड नहीं करी है वो लाइव क्लासेस में जाके, इसकी बैकअप वीडियोस पड़ी हुई है वहां से जाके लाइव क्लासेस देख लीजिए इंडाइसेस में, ठीक है ना। चलिए अब आगे बात करते, तो हमने ये देखिए जिनकी जिनकी फर्स्ट क्लास है, जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी थी उनके लिए भी सब कुछ समझ में आने वाला। आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर बैठिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा ए टू जेड। बस ध्यान से मेरी बातों को सुनते रहिएगा। लॉग की बात करें तो लॉग क्या होता था भाई, लॉग इज अ मेथड बाय विच वी कैन सॉल्व द टफेस्ट कैलकुलेशन इन अ वेरी सिंपल मैनर। माने जहां कहीं भी आपकी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, आपको लगता है जिसे आप वर्बली वे में या विदाउट विद यूजिंग द कैलकुलेटर सॉल्व नहीं कर सकते, आपको लगता है भाई इसको मुझे सिंपल मैनर में सॉल्व करना है, तो आप एक मेथड का यूज करते हैं जिसे बोलते हैं लॉगरिथम। याद रखिएगा लॉग इज नॉट अ वैल्यू, लॉग इज अ मेथड। हमेशा याद रखिएगा आप वैल्यू को कैंसिल करते हैं, वैल्यू को कॉमन लेते हैं, लॉग को कभी कॉमन नहीं लिया जा सकता बिकॉज इट इज अ मेथड नॉट अ वैल्यू। बात समझ में आ गई। लॉग के कुछ लॉग कहता है कि साहब मेरे थ्रू आप टफ से टफ कैलकुलेशन को सिंपली वे में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेरे कुछ फंडामेंटल रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। रूल्स का मतलब रूल्स, नो इफ नो बट, ठीक है ना। पहला रूल हम कहते हैं लॉग से कि साहब लॉग भैया, लॉग बाबा हमारी कैलकुलेशन कहाँ टफ होती है, बोले जहां बहुत सारी चीजें बड़े बड़े नंबर्स मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। लॉग कहता है कि कोई बात नहीं साहब, अगर आप मेरे थ्रू यूज करेंगे तो जितनी भी मल्टीप्लाई की कैलकुलेशन है उन सबको प्लस में कन्वर्ट कर लीजिए, जितनी भी डिवाइड की कैलकुलेशन उन्हें आप माइनस में कन्वर्ट कर लीजिए, और जो पावर है उसे आप आगे ले आइए। ये तीन बेसिक फंडामेंटल हमने रूल्स पढ़े थे, बात समझ में आ गई। बाकी लोग अब जरा ध्यान दीजिए, जैसे अगर मैं आपसे कहूं एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखूं लॉग सिक्स, हालांकि मैं पहली क्लास में पढ़ा चुका हूं लेकिन फिर दोबारा बता रहा हूं। अब लॉग सिक्स की बात करें तो सिक्स के फैक्टर कितने होंगे, जरा जवाब दीजिए जरा जल्दी से। सिक्स के फैक्टर कितने होंगे, जरा जल्दी से जवाब दीजिए मुझे। टू इंटू थ्री होंगे, हाँ या ना का जवाब दीजिए। जिसको जिसको समझ में आ रहा है वो एम टाइप करिए, जिसको समझ में ना आया हो वो डी टाइप करिए। जिसको जिसको समझ में आ रहा हो वह एम टाइप करिए, जिसको समझ में ना आए वो डी टाइप करिए। जरा जल्दी से बताइए मुझे, जरा जल्दी से बताइए, सबको समझ में आ रहा है बेटा जी, वेरी गुड। अच्छा अब इसका मतलब इसे लिख सकते हैं लॉग टू इंटू थ्री। अब लॉग की ये प्रॉपर्टी थी कि अगर कोई दो चीजें या दो से ज्यादा चीजें मल्टीप्लाई में हो तो उसे प्लस में करके लिख देते हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा, लॉग टू प्लस लॉग थ्री, क्या हो जाएगा, लॉग टू प्लस लॉग थ्री। इसी तरीके से अगर मैं क्वेश्चन को चेंज कर दूं और मैं आपसे कहूं थ्री लॉग टू, पहले तो थ्री लॉग टू का मतलब बताइए, सबसे पहले थ्री लॉग टू का मतलब क्या होगा, थ्री ये कब आगे आया होगा, जब ये किसी की पावर में होगा, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं लॉग टू टू दी पावर थ्री। क्या मैं ऐसे लॉग टू टू दी पावर थ्री लिख सकता हूं, हाँ या ना का जवाब दीजिए। जिसको जिसको समझ में आया हो वो एम टाइप करिए, जिसको समझ में ना आया हो वो डी टाइप करिए। जिसको जिसको समझ में आया हो वो एम टाइप करिए, जिसको जिसको ना समझ में आया हो वो डी टाइप करिए, बिल्कुल ठीक बात। चलिए तो इसे लिख लेंगे लॉग एट, भाई टू की पावर थ्री का मतलब कितना हो गया, लॉग एट। यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा जी, यहां तक सबको समझ में आ गया, नहीं बेटा जी मैंने अभी आपको बताया, एक राधिका, राधिका जी हैं, राधिका जी कह रही है सर इसमें तो लॉग फाइव हो जाना चाहिए, मैंने अभी आपको बताया
log is a method, not a value. आप ऐसे नहीं कर सकते कि L common, O common, G common तो log common और यहां लिख देंगे 2 plus 3, ये गलत है. तो फिर आपने इसको into को कैसे लिख दिया? आप तो इसे लिखते, अगर आप इसे लिखते तो log 2 into log 3 लिखते ना फिर तो. ये गलत बात है. log कभी common नहीं लिया जा सकता, कभी cancel नहीं किया जा सकता. बात समझ में आ गई? ये छोटी छोटी सी बातें आपको याद रखनी है. आइए अब इसके ऊपर बेस क्वेश्चन की बात करते हैं. अच्छा, अगर मैं जैसे आपसे कहूं log log 1 upon 16, log 1 upon 16, बहुत ध्यान से, इस 16 को आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 4, हां या ना? इस 16 को आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 4, हां या ना? तो इसका मतलब इसे लिख सकते हैं log 2 टू द पावर -4. भाई ये 2 की पावर 4 जब ऊपर जाएगा तो 2 की पावर क्या बन जाएगा? -4 बन जाएगा. यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा जी? यहां तक सबको समझ में आ गया? सभी लोग जवाब दे, यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है तो m टाइप करिए, क्लियर ना हो तो d टाइप करिए. यहां तक सबको क्लियर हो तो m टाइप करिए, क्लियर ना हो तो d टाइप करिए. और सभी बच्चे वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक करिए. जितने बच्चे यहां बैठे हैं कम से कम उसके डबल लाइक मुझे चाहिए. कैसे आएंगे वो आप जानिए, ठीक है ना? चलिए, अब ये -4 को हम आगे ले जा सकते हैं तो ये हो जाएगा कुल मिला के -4 log 2. माने कुल मिला के ये कितना हो जाएगा? -4 log 2. माने log 1 upon 16 को आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? -4 log 2 लिख सकते हैं. यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा जी? यहां तक सबको क्लियर है बेटा जी? वेरी गुड. चलिए अब एक दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं इसी तरीके से. मान लीजिए लिखा हुआ है 3 log 2 plus 2 log 5 minus log 2, या 3 log 2 नहीं, हाँ कुछ और लिख लेते हैं, minus log 5. मैं पूछ रहा हूँ log 3, चलो मैं पूछ रहा हूँ बताइए क्या रिजल्ट आएगा. मैं आपसे पूछ रहा हूँ बताइए क्या रिजल्ट आएगा, ये क्वेश्चन है आपका. अब मुझे इसे सॉल्व करके बताइए कि आंसर क्या आएगा. सबसे पहले मुझे ये बताइए 3 log 2 का मतलब क्या हुआ? भाई log हमने लिख लिया ऐसे, हमने कहा log की ये प्रॉपर्टी थी कि अगर कोई दो चीजें मल्टीप्लाई में थी तो उसे प्लस में करके लिखते थे, डिवाइड में होती तो माइनस में करके लिखते थे. तो हम यहां उल्टा कर रखे कर देंगे, यहां पे प्लस माइनस दे रखा है तो जो प्लस में उसे मल्टीप्लाई में कर देंगे और जो माइनस में उसे डिवाइड में कर देंगे. बात समझ में आ गई? तो जरा देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 माने 8, प्लस का मतलब मल्टीप्लाई. ये हो जाएगा 5 की पावर 2 मतलब 25, और माइनस का मतलब डिवाइड बाय 3. माइनस का मतलब डिवाइड बाय 3, मतलब इसे लिख सकते हैं कुल मिला के लॉग 200 बाय 3. इसे कुल मिला के लिख सकते हैं लॉग 200 बाय 3. यहां तक सबको समझ में आ गया हो तो m टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो d टाइप करिए. यहां तक सबको समझ में आ गया हो तो m टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो d टाइप करिए. यहां तक सबको क्लियर है बेटा जी? यहां तक सबको क्लियर है बेटा जी? वेरी गुड. चलिए अब एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं. जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए इफ log 2 बराबर x, log 3 बराबर y, then find the value of पहला पॉइंट log 6. जरा मुझे आंसर दीजिए सभी लोग. then find the value of log 6. जरा जल्दी से आंसर बताइए, आंसर क्या आएगा? then find the value of log 6. जल्दी से आंसर बताइए. log 6 को क्या बोल सकते हैं आप? log 2 plus log 3, हाँ या ना? log 6 को क्या बोल सकते हैं आप? log 2 plus log 3 बोल सकते हैं आप. log 2 की वैल्यू आपको गिवन है कितनी? x. log 3 की वैल्यू कितनी गिवन है आपको? y. तो आंसर कितना हो जाएगा इसका? x plus y. आंसर कितना हो जाएगा इसका? आ आ आ आ विवेक दास जी, x y क्यों होगा?
भाई log 6 का मतलब 6 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 3, 6 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 3, log 2 इंटू 3 का मतलब log 2 प्लस log 3, log 2 इंटू 3 का मतलब log 2 प्लस log 3, log 2 की वैल्यू x, log 3 की वैल्यू y, बीच में प्लस का प्लस, आंसर x प्लस y। दीपिका राज जी आपने भी गलत आंसर बताया, दिव्या मोदी जी आपने भी गलत आंसर बताया, राधिका जी बिल्कुल आंसर ठीक है, विमला जी आंसर बिल्कुल ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया। देखिए अभी भी लाइक कम है, ये गलत बात है, जो जो बच्चा वीडियो को देख रहा है और लाइक नहीं कर रहा है पाप चढ़ेगा पाप आपको। देखिए एक आर्टिस्ट जो होता है वो हमेशा तालियों का भूखा होता है, ऐसे एक टीचर जो होता है जब आप उसकी वीडियो देख रहे होते हो तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, एक लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि उसे ये पता लगे कि वीडियो वाकई में अच्छी जा रही है। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए बिल्कुल सेम वे में दूसरा क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछता लॉग 24 का मतलब बताइए क्या आएगा, लॉग 24 का मतलब बताइए क्या आएगा। सबसे पहले मुझे बताइए log 24 को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 24 के फैक्टर करेंगे, इस 24 के फैक्टर क्या होंगे 8 इंटू 3, भाई 8 थ्री जा 24 होता है, ठीक है ना, 8 थ्री जा कितना होता है 24 होता है 8 इंटू 3। अच्छा अब log 8 का मतलब क्या हो जाएगा 3 log 2 और प्लस log 3 का log 3, ठीक है ना। अब 3 log 2, log 2 की वैल्यू कितनी है, log 2 की वैल्यू कितनी है x, तो आंसर हो जाएगा 3x plus y, आंसर हो जाएगा 3x plus y। यहां तक सबको समझ में आ गया तो m टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो d टाइप करिए, यहां तक सबको समझ में आ गया हो तो m टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो d टाइप करिए, जरा जल्दी से जवाब दीजिए, यहां तक सबको क्लियर है, जरा जल्दी से जवाब दीजिए, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है, किसी का कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। वेरी गुड, एक्स स्क्वायर क्यों आएगा, प्रियांशी क्रिएशन ने एक्स क्यूब लिखा है, एक्स क्यूब क्यों आएगा बेटा, अगर आप बात करेंगे तो जरा ध्यान से देखिए, इसे आप लिख सकते हैं log 8 प्लस log 3 और log 8 का मतलब हो जाएगा log 2 की पावर 3, तो ये जो पावर 3 है ये तो आगे चली जाएगी, माने इसे लिख सकते हैं 3 log 2 प्लस log 3, log 2 की वैल्यू कितनी है आपकी x, तो ये हो जाएगा 3x plus y, ये आपका क्या हो जाएगा 3x plus y। यहां तक सबको क्लियर है तो m टाइप करिए और क्लियर ना हो तो d टाइप करिए, बहुत बच्चों ने d लिख के भेजा था इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करके दिखा दिया, यहां तक सबको क्लियर हो तो एम टाइप करिए, क्लियर ना हो तो डी टाइप करिए, यहां तक सबको क्लियर हो तो एन टाइप करिए, क्लियर ना हो तो डी टाइप करिए, जरा जवाब दीजिए सभी लोग, जरा बच्चे लोग सभी लोग जवाब दीजिए, यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा जी, किसी का कोई भी डाउट हो तो बेझिझक होके लिखिए। लवकुश प्रजापति जी बताए डी लिख के भेजा है आपने, जिन्होंने एम लिख के भेजा है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जिन्होंने डी लिख के भेजा है पहले मुझे जवाब दीजिए आपको क्या दिक्कत आ रही है, या ये मान लूंगा मैं आप जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोई आदमी है जो जबरदस्ती डी लिख के भेज रहे हैं, या तो अपना डाउट मुझे लिख के भेजिए। यहां तक सभी को क्लियर है, वेरी गुड। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं और करने के लिए देता हूं, जरा मुझे आप आंसर बताइए, सेम क्वेश्चन है थर्ड पार्ट, मैंने आपसे कहा लॉग 16/27, जरा आंसर बताइए मुझे फटाफट से, log 16/27, जरा आंसर बताइए, डिवाइड वाली प्रॉपर्टी लगेगी यहां पे, जरा जल्दी से वर्बली आंसर होना चाहिए, कोई पेन नहीं चलाएगा इसमें, इसका आंसर आप वर्बली बताएंगे मुझे, जितना कोशिश करेंगे उतनी जल्दी आंसर निकल के आएगा, तो सभी लोग जवाब दीजिए इसका आंसर क्या आना चाहिए, मुझे आपका आंसर वर्बली चाहिए, जरा जल्दी से जवाब दीजिए, जरा सभी लोग जल्दी से जवाब दीजिए आंसर क्या आना चाहिए इसका, सभी लोग जवाब दे इसका आंसर क्या आना चाहिए, क्या करेंगे भाई, अब जरा देखते हैं जरा ध्यान से, ये क्या बन रहा है 2 की पावर 4, तो इसे लिख सकते हैं 4 log 2, log 2 का मतलब हो गया x, डिवाइड का मतलब माइनस, ये क्या हुआ, ये हुआ 3 की पावर 3, माने इसे लिख देंगे 3y, आंसर खत्म। यहां तक सबको समझ में आया नहीं है, बिल्कुल सही प्रियांशी जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया,
फोर एक्स माइनस थ्री वाई प्लस क्यों होगा बेटा जी, डिवाइड में है तो माइनस होगा। राधिका जी लॉग 16 माइनस लॉग 27 को लिख सकते हैं, राधिका जी लॉग 16 माइनस लॉग 27 बिल्कुल सही लिखा है आपने, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4, तो 4 आ गया, आ गया 4 लॉग 2 माइनस 3 लॉग 3 हो गया, लॉग 2 की वैल्यू कितनी थी x, तो 4x माइनस 3y, यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा जी, वेरी गुड। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, जरा करके बताइएगा। फोर्थ पॉइंट, लॉग 0.0625, लॉग 0.0625, आराम से कोशिश करिए, गलत हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश जरूर करिएगा, मुझे इसका आंसर चाहिए आप सभी से। लॉग 0.0625, मुझे आप सभी से इसका आंसर चाहिए, जरा जल्दी से मुझे आंसर बताइए, आंसर क्या आना चाहिए, जरा कोशिश करिए आप सभी लोग। और देखिए लाइक के बटन अभी भी कम है, लाइक जरा लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए, मुझे पता लगना चाहिए आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। हाँ जी सर, इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए सबसे पहले ध्यान से समझिए, पॉइंट हटाया, सबसे पहले तो ये पॉइंट परेशान कर रहा था, एक के आगे चार जीरो, एक के आगे चार जीरो, अब ये काटा पीटी शुरू, 25 के टेबल से काट ले रहे, आप चाहे तो 5-5 के टेबल से काट लीजिएगा, ये हो गया 400, ये 25 बन जाए, ये हो गया 16, माने कुल मिला के इसे लिख सकते हैं लॉग, लॉग 1/16 का मतलब 2 की पावर माइनस 4, लॉग 1/16 का मतलब 2 की पावर माइनस 4, यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा जी, यहां तक सबको क्लियर हो तो एम टाइप करिए, क्लियर ना हो तो डी टाइप करिए, यहां तक सबको समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए, जरा जल्दी से जवाब दीजिए मुझे आंसर क्या आना चाहिए, ये माइनस फोर आगे चला जाएगा तो ये कुल मिला के कितना आंसर हो जाएगा, माइनस का 4x, बात समझ में आ गई या नहीं आई, यहां तक सबको क्लियर हो तो एम टाइप करिए, क्लियर ना हो तो डी टाइप करिए, यहां तक सभी को क्लियर हो तो एम टाइप करिए, क्लियर ना हो तो डी टाइप करिए, ऐसे 100 क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा, कुछ भी बना लो उससे क्या फर्क पड़ता है भाई। जैसे लिख दूं मैं फिफ्थ पार्ट, मैंने लिख दिया लॉग 1/3, जरा मुझे आंसर बताइए फटाफट, लॉग 1/3, जरा मुझे आंसर बताइए फटाफट, इसका आंसर कितना आएगा, जरा जल्दी से जवाब दीजिए, लॉग 1/3 मुझे बताइए जरा इसका आंसर क्या आएगा, लॉग 1/3 का आंसर क्या आएगा, जरा जल्दी से बताइए। अभी तो हमने सिर्फ 3 बेसिक फंडामेंटल रूल पढ़े, कुल मिला के 10 फंडामेंटल रूल है, 3 के ऊपर बेस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, लॉग 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, जरा जल्दी से जवाब दीजिए, लॉग 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, भाई ये 3 की पावर कितना है, 1, जब ये ऊपर जाएगा तो 3 की पावर क्या हो जाएगा, माइनस 1, 1 माइनस y नहीं होगा, ना ना, ना प्रियांशी जी ध्यान से, तो ये हो जाएगा लॉग 3 टू द पावर माइनस 1, ये माइनस 1 आगे चला गया, माने माइनस का 1, और लॉग 3 की वैल्यू कितनी है, y, माने माइनस का 1y या माइनस का y कह सकते हैं, माइनस का 1y या माइनस का y कह सकते हैं आप, माइनस का 1y या माइनस का y कह सकते हैं आप, सर लॉग 1 माइनस 3y ये गलत लिखा है, दिव्या मोदी जी आपने गलत लिखा है, दीपिका राज जी आपने गलत लिखा है, और राधिका जी आपने भी गलत लिखा है, जानवी जी आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, अभी लॉग 1 के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था इसलिए हम बता नहीं सकते, आपका आंसर सही है, ठीक है ना, फिर दोबारा से बता देता हूं, ध्यान से देख लीजिए, ये 3 की पावर 1 है, जब ये 3 की पावर 1 ऊपर जाएगा तो 3 की पावर माइनस 1 हो जाएगा। आप देखिए आपको मालूम है क्यों दिक्कत आ रही है, जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है उन्होंने इंडाइसिस के टॉपिक को सही से नहीं देख रखा, तो अगर आपको ये लॉग का टॉपिक अच्छी तरीके से अपने बिल्कुल कंठस्थ करना है, एकदम हाथ में मतलब कहते हैं ना सेट होना चाहिए, तो आपको पहले इंडाइसिस के टॉपिक को सही से पढ़ना पड़ेगा, तो जिन जिन बच्चों ने इंडाइसिस का टॉपिक नहीं देखा है पहले वो इंडाइसिस का टॉपिक देख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, डेली एक सुबह एक शाम 2 वीडियो बनाइए, बस 3 दिन के अंदर इंडाइसिस का पूरा टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा, लाइव क्लासेस में पढ़ा हुआ है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ जी सर, तो ये 3 की पावर माइनस 1 हो गया, ये माइनस 1 आगे चला गया, माइनस 1,
आप लिखेंगे log 3, ऐसी तो लिखेंगे माइनस वन लॉग थ्री, लॉग थ्री की वैल्यू कितनी है y, तो यहाँ इसकी जगह क्या लगा देंगे y, तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का वन वाई कहें या माइनस का y कहें, बात एक ही है, माइनस का वन वाई कहें या माइनस का y कहें, बात एक ही है, बात समझ में आ गई। चलिए अब इसी तरीके से क्वेश्चन मान लीजिए और दे रखा है कि इफ लॉग एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई देन फाइंड एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई देन फाइंड एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, ये क्वेश्चन है आपका, बहुत ध्यान से तसल्ली से देखिएगा। इफ लॉग एक्स प्लस वाई बराबर लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, ये कह रहा है, हम नहीं कह रहे, हमने कोई ब्रैकेट ओपन नहीं किया है, ये तो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ लॉग एक्स प्लस वाई बराबर लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, तो वो कह रहा है देन फाइंड एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। अब देखिए यहां तो ये ब्रैकेट ओपन नहीं किया जा सकता भाई, लॉग कोई वैल्यू थोड़ा है जो हम मल्टीप्लाई कर दे, लॉग इज अ मेथड, लॉग इज अ मेथड, लॉग कभी मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता, कभी कैंसिल नहीं किया जा सकता। हम क्या लिखते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, या लिखते हैं रिमूविंग लॉग फ्रॉम बोथ साइड, कभी लॉग को कॉमन नहीं लिया जा सकता, लॉग को कैंसिल नहीं किया जा सकता। मतलब कहीं लिखा हुआ है लॉग थ्री अपॉन लॉग फाइव, तो ये नहीं पता चला एल से एल, ओ से ओ, जी से जी काट दे, ये गलत बात है। लॉग कभी कॉमन नहीं लिया जा सकता, कभी कैंसिल नहीं किया जा सकता। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूं तो ये दोनों प्लस में कब आए होंगे, जब ये मल्टीप्लाई में होंगे, माने हम यहां लिख सकते हैं लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू, ये ऐसे ही रहेगा लॉग एक्स प्लस वाई। पहले मुझे इतनी बात बताइए, यहां तक सबको समझ में आ गया, यहां तक सभी लोग जवाब दे, यहां तक सबको समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए, यहां तक सबको समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए, यहां तक सबको समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए, यहां तक सबको समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान दीजिए, लॉग से लॉग कैंसिल मत करिएगा, जैसे हम लिखते हैं ना टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, वैसे ही यहां लिखेंगे रिमूविंग लॉग फ्रॉम बोथ साइड। देखिए हमारा पेपर कोई सब्जेक्टिव तो है नहीं, हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव है, तो हम ऑब्जेक्टिव के हिसाब से काटना चाहे तो काट सकते हैं, लेकिन कटता नहीं है कायदे में, कायदे में लॉग को कैंसिल नहीं किया जा सकता, ध्यान रखिएगा। लेकिन हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव है, हमें किसी को शो नहीं करना है, इसलिए हम काट सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, जरा ध्यान से देखिए, x की वैल्यू निकालनी है, तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे एक तरफ, बाकी चीजों को एक तरफ, मतलब ये कुल मिला के हो जाएगा एक्स वाई, और इस x को उठा के तो लेके जाएंगे तो माइनस का x बराबर कितना रह गया y। अब तीसरे स्टेप में आपका आंसर आना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, तीन स्टेप से ऊपर में किसी भी हालत में आंसर नहीं आना चाहिए, ये बात मैंने आपको इंडाइसेस में भी सिखाई थी, रेशियो प्रोपोर्शन में भी सिखाई थी, हर टॉपिक में ये ध्यान रखिएगा, तीन स्टेप से ऊपर में आपका आंसर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां से कॉमन क्या आया, एक्स कॉमन आया, क्या बचेगा वाई माइनस वन, जो बचेगा वो जाएगा तो डिवाइड में ही, तो आंसर कितना हो जाएगा वाई अपॉन वाई माइनस वन, क्या हो जाएगा y अपॉन y माइनस वन। यहां तक सबको समझ में आ गया हो तो m टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो d टाइप करिए, यहां तक सबको समझ में आ गया हो तो m टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो d टाइप करिए। अगर यहां प्लस कीजिएगा, सपोज करिए माइनस होता तो ये क्या हो जाता, x अपॉन y हो जाता, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते, ठीक है ना, क्वेश्चन सेम वे में चलता। तो ऐसे हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, हजारों क्वेश्चन। यहां तक सभी को क्लियर है, देखिए लाइक का बटन प्रेस नहीं हो रहा है, बच्चे तो बढ़ रहे हैं लेकिन लाइक का बटन नहीं दबा रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। फिर दोबारा ध्यान से देख लीजिए, कह रहे लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया, बेटा जी एक बार बताइए एक्स प्लस वाई बराबर एक्स वाई आया था, ठीक है ना, इस एक्स को उठा के मैंने इधर लिख दिया माइनस का हो गया, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आया एक्स, क्या बचेगा वाई माइनस वन, तो जब इस x की वैल्यू निकालने जाओगे तो इस y माइनस वन को कहां भेजोगे,
डिवाइड में भेजोगे, तो ये बात मैंने डायरेक्ट लिख दी कि एक्स की वैल्यू कितनी होगी, वाई अपॉन वाई माइनस वन। दीपिका राज जी समझ में आ गया। बालिया बालिया बल्ला बल्ला भक्ति भावना, बल्ला भक्ति भावना जी समझ में आ गया, सभी को क्लियर हो गया, जरा जवाब दे। राधिका जी बाकी सबको समझ में आ गया बेटा जी, किसी का कोई डाउट हो तो डी टाइप करे, समझ में आ गया हो तो एम टाइप करे। सभी लोग जवाब दे बिल्कुल ठीक, 100% क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी सर, अब मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करना है, सबसे पहले तो अभी फंडामेंटल रूल्स क्या पढ़े थे हमने, तो फंडामेंटल रूल्स ऑफ लॉगरिथम क्या क्या पढ़ लिए पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फंडामेंटल रूल्स ऑफ लॉगरिथम, पहला रूल क्या पढ़ा था सर? हाँ जी बताइए जरा, लॉग क्या कहता है? लॉग तो एक बाबा है, बाबा जो हमारे कष्टों को हरते हैं। लॉग कहते हैं कि साहब मेरे थ्रू टफ से टफ कैलकुलेशन को आप बड़े सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला रूल ये था कि लॉग कहता था कि साहब अगर दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी मल्टीप्लाई में है तो आप उसे प्लस में करके लिख दीजिए, लॉग एम प्लस लॉग एन। दूसरा, दो चीजें डिवाइड में हैं तो माइनस में करके लिख दीजिए, लॉग एम माइनस लॉग एन। तीसरा, लॉग एम टू दी पावर एन, तो ये पावर आगे आ जाएगी, ये हो जाएगा एन लॉग एम। चौथा, याद रखिएगा लॉग वन, लॉग वन फॉर एनी बेस, लॉग वन फॉर एनी बेस, किसी भी बेस के लिए लॉग वन की वैल्यू ऑलवेज इक्वल टू क्या होगी? जीरो। किसी भी बेस के लिए लॉग वन की वैल्यू हमेशा क्या होगी? जीरो होगी, हमेशा जीरो होगी। लॉग वन की हमेशा वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। और इसी के साथ में लिख दीजिएगा लॉग जीरो की वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट होगी, फॉर एनी बेस लॉग जीरो की वैल्यू हमेशा क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। याद रखिएगा लॉग वन की वैल्यू हमेशा क्या होगी? जीरो होगी, और लॉग जीरो की वैल्यू हमेशा क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। ये याद रखिएगा, चाहे यहां बेस कुछ भी हो, कुछ भी, कोई भी बेस हो, कैसा भी बेस हो, लॉग वन की वैल्यू हमेशा जीरो और लॉग जीरो की वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट। बात समझ में आ गई? अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे ही दिमाग में आ रहा है, पूछ लेता हूं। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस वन, तो बताइए क्या आंसर आएगा? जरा आंसर बताइए मुझे, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस वन। मैं कह रहा हूं बताइए इसको सॉल्व करके आंसर क्या बचेगा, जरा जल्दी से मुझे जवाब दीजिए, जरा जल्दी से मुझे जवाब दीजिए, आपके हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए? सभी लोग कोशिश करिए, भगवान करे आपका गलत हो जाए, करते करते आप 2 3 जा 8 लिख दो, 3 2 जा 10 लिख दो, 5 2 जा 12 लिख दो, गलती कर लो, भगवान करे किसी भी तरीके से गलत हो जाए। आप कह रहे होंगे सर गलत करने की बात क्यों कर रहे हैं, जब तक गलत होगा नहीं तब तक सीखोगे कैसे? अगर पहली बार में सीख गया तो हो सकता हो तुक्का पड़ गया हो, तो भगवान करे आपका गलत हो जाए। कोशिश करिए जरा मुझे आंसर बताइए, किसी का कोई और आंसर आ रहा है क्या? किसी का कोई और आंसर, कुछ भी आंसर आ रहा हो जरा आंसर जवाब दीजिए फटाफट से। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं, आप लोग तो जवाब दे नहीं रहे तो मैं ही जवाब दे देता हूँ। मैंने कहा मैं ही बहुत बात कर लूँ, भाई आप लोग तो बड़े लोग हो, आप लोग बहुत मुश्किल से जवाब देते हो। नहीं सर, आंसर आया, प्रियांशी जी का आंसर आया, बिल्कुल ठीक प्रियांशी जी। संजीव जी का आंसर आया, बिल्कुल ठीक। विवेक दास जी छोटी सी मिस्टेक कर रहे हैं, जरा चेक करिए। विमला जी आपका आंसर गलत है। संजीव जी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। देखिए ना, आप कोशिश करेंगे तो आंसर आएगा। सबसे पहली बात, ये दो क्वांटिटी माइनस में है लॉग में, कब माइनस में आई होंगी? जब ये डिवाइड में होंगी, माने लॉग इसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन, ऐसे ही तो होगा, तभी तो ये माइनस में लिखी जाएंगी। अब जरा ऊपर वाले में देखिए एक्स कॉमन आ रहा है, ऊपर वाले में देखिए, ऊपर वाले न्यूमरेटर में देखिए एक्स कॉमन आ रहा है। जब x कॉमन आ रहा है तो आपके पास क्या बचेगा? ये हो जाएगा log x कॉमन ले लीजिए, बचेगा x प्लस वन अपॉन में x प्लस वन। ये x प्लस वन से x प्लस वन कट गया, क्या बचा? log x ही तो आंसर बचा आपका।
आंसर आपका क्या बचा? लॉग एक्स ही तो बचा। जीरो कैसे बचेगा, वन कैसे बचेगा, जरा मुझे जवाब दीजिए। विमला जी, विमला जी मुझे जरा जवाब दीजिए। यहां तक सबको समझ में आ गया? किसको किसको समझ में नहीं आया जरा जवाब दीजिए। जिसको जिसको समझ में नहीं आया हो वो डी टाइप करे, और जिसको समझ में आया हो वो एम टाइप करे। जिसको जिसको समझ में नहीं आया वो एम टाइप करे, वो जिसको समझ में नहीं आया वो डी टाइप करे, और जिसको समझ में आ गया वो एम टाइप करे। यहां तक सभी को क्लियर है? तब मैं आगे बढ़ूंगा, पहले मुझे यहां तक की बात बताइए। यहां तक सभी को क्लियर है बेटा जी? यहां तक सभी को क्लियर है बेटा जी? वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन और दिमाग में आया, फिर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए ये छोटे छोटे से क्वेश्चन ना आपको बहुत हेल्प करेंगे। जैसे क्वेश्चन है 4 log 27/8 प्लस 3 log 16/81 प्लस log 5 प्लस 2 log 7/5 माइनस log 49/5। ये पूछ रहा, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ये क्वेश्चन है सर, जरा ध्यान से तसल्ली से देखिएगा, बहुत ध्यान से तसल्ली से इसको सॉल्व करके आपको इसको फुली आंसर बताना है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां जितनी भी क्वांटिटी प्लस में होंगी उसे मल्टीप्लाई में लिख देंगे, जो माइनस में होंगी उसे डिवाइड में लिख देंगे, और ये जो नंबर आगे लिखे हैं इसे पावर में लेके जाएंगे। ठीक है ना, ये जो नंबर आगे लिखे हुए हैं इन्हें पावर में लेके जाएंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 3 स्टेप से ऊपर में आपका आंसर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो वो बिल्कुल बेकार है मेरे लिए, इसलिए तसल्ली से देखिए, तसल्ली से जरा ध्यान दीजिएगा। सर लॉग हमने लिख लिया, अब हम कैलकुलेशन जरा देखिए कैसे करेंगे। वर्बली कैलकुलेशन करना सीखिए। सबसे पहले तो इस 27 की बात करिए, इस 27 का मतलब हुआ 3 की पावर 3, और ये 4 आगे चला जाएगा माने इसकी पावर 4। यहां तक बात ठीक है या नहीं है पहले ये बताइए। सिर्फ इस 27 के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, बाकी किसी के रेस्पेक्ट में बात नहीं कर रहा हूं। अगर समझ में आ रहा हो तो यस टाइप करिए, yes, यस। अगर समझ में आ रहा हो तो यस, yes, यस टाइप करिए, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। यहां तक सबको समझ में आ रहा हो तो yes, यस टाइप करिए, जरा जल्दी से टाइप करके भेजिए मुझे। यहां तक सभी को क्लियर है? वेरी गुड। अच्छा तो मानिए 3 की पावर कितना हो जाएगा 12, ये 3 की पावर कितना हो जाएगा 12। बात समझ में आ गई? अच्छा ऐसे इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। फिर ये 4 आगे जाएगा, ये 8 की बात हो रही है ना, तो 2 की पावर 3, फिर ये 4 आगे जाएगा तो 2 की पावर भी कितना बन जाएगा 12, ये 2 की पावर भी कितना बन जाएगा 12। यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा प्लस का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई। प्लस का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई। अब ध्यान दीजिएगा, ये 3 पावर में आगे जाना है, ठीक है ना, तो ये 2 की पावर कितना है 4, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा ये 12 अपॉन, ये 3 की पावर कितना है 4, तो ये 3 की पावर कितना हो जाएगा 12। प्लस का मतलब मल्टीप्लाई, 5। प्लस का मतलब मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए, और ये नीचे हो गया 5 का स्क्वायर। माइनस का मतलब डिवाइड, तो मल्टीप्लाई लगा के पलट दे भाई। माइनस का मतलब क्या हुआ, डिवाइड, तो मल्टीप्लाई लगा के पलट दे, तो ये हो जाएगा 5/49, और कर दिया क्लोज, और कर दिया क्लोज। यहां तक सबको क्लियर है तो एम टाइप करिए, और क्लियर ना हो तो डी टाइप करिए। यहां तक सबको क्लियर है तो एम टाइप करिए, और क्लियर ना हो तो डी टाइप करिए। जरा जल्दी से जवाब दीजिए, यहां तक सबको क्लियर हो तो एम टाइप करिए, और क्लियर ना हो तो डी टाइप करिए। अब जरा ध्यान दीजिए, काटा पीटी शुरू, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट,
और ये भी कैंसिल आउट, क्या बचा वन। लॉग वन की वैल्यू ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो, लॉग वन की वैल्यू ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा जी? सर ये 5 की पावर 2 कैसे आया? 5 की पावर 2 ऐसे आया बेटा, ये जो 2 था ये आगे चला गया, तो ये 7 का स्क्वायर हो गया ये, और ये नीचे भी 5 का स्क्वायर हो गया। ये माइनस का मतलब डिवाइड है, तो मल्टीप्लाई लगा के इसे पलट दिया 5/49। यहां तक बात समझ में आ गई? फिर दोबारा ध्यान से देख लीजिए भाई, इस 27 को मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूं, इस 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं, ये 4 आगे जाएगा, माने 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3/4 = 12 हो गया, 3/4 = 12 हो गया। ऐसे ये 3 आगे जाएगा, ये 2 की पावर 4, ये 3 की पावर 4, तो ये 2 की पावर 12 हो गया, ये 3 की पावर 12 हो गया। प्लस का मतलब मल्टीप्लाई 5 का 5, प्लस का मतलब मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर, माइनस का मतलब डिवाइड, तो मल्टीप्लाई लगा के पलट दिया। यहां तक बात सबको समझ में आ गई? रोहित शर्मा जी आपने कहा था एक बार और रिपीट कर दीजिए, यहां तक सभी को क्लियर है या नहीं है बेटा जी? समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। समझ में यहां तक आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको पेपर में मैक्सिमम चांसेस है मिलेगा ही मिलेगा, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको पेपर में मैक्सिमम चांसेस है मिलेगा ही मिलेगा, 100% चांस है, माने 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा आपका, आना ही आना है इसमें का एक क्वेश्चन आपको पेपर में लॉग में से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको रब कर देते हैं। तो अभी तक हमने 4 फंडामेंटल रूल्स पढ़ लिए, अब हम 5वें की बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। 5वां रूल यह है कि लॉग ए टू द बेस ए, इसकी वैल्यू ऑलवेज इक्वल्स टू 1। लॉग ए टू द बेस ए, इसकी वैल्यू ऑलवेज इक्वल्स टू 1। लॉग ए टू द बेस ए, माने ये दोनों वैल्यू अगर सेम है तो उसका आंसर 1। क्यों आता है वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, हालांकि ये तो रूल्स है, इसका कोई इफेक्ट बट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगा कि लॉग ए टू द बेस ए की वैल्यू 1। भाई खुद सोचिए, अगर आपने किसी चीज को स्टैंडर्ड माना, अगर आपने किसी चीज को स्टैंडर्ड माना और आप उसी के कंपैरिजन में कर रहे हो, जैसे 100%, माने 1 रुपए में कितने पैसे, 100 पैसे, तो 1 रुपए का 1 से कंपैरिजन करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। 10 रुपए का 10 से कंपैरिजन करेंगे तब भी 1 ही आएगा। 100 का 100 से कंपैरिजन करेंगे 1 ही आएगा। 200 का 200 से कंपैरिजन करेंगे तब भी 1 ही आएगा। तो लॉग ए टू द बेस ए ऑलवेज इक्वल्स टू 1। जैसे log 2 टू द बेस 2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। log 3 टू द बेस 3, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। log 5 टू द बेस 5, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। log 10 की वैल्यू कितनी आएगी, जरा बताइए, log 10 की वैल्यू जरा बताइए मुझे, log 10 की वैल्यू जरा बताइए। लॉग सर इन्फिनिटी का एक क्वेश्चन करा दीजिए, इन्फिनिटी का क्वेश्चन कराएंगे, तसल्ली रखिए, लॉग जीरो कभी एग्जिस्ट नहीं करता, पहली बात ध्यान रखिए, ये मैंने लिखवा दिया, ये आपके कोर्स में नहीं है, लॉग जीरो एग्जिस्ट ही नहीं करता, लॉग जीरो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ध्यान रखिएगा। मैं सिर्फ इसकी बात पूछ रहा हूँ, लॉग 10 की वैल्यू कितनी आएगी, जरा जवाब दीजिए सर, 1। क्यों आएगी, क्योंकि अगर कुछ नहीं लिखा है तो बेस 10 माना जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। चलिए और देखते हैं, अच्छा अगर मैं कहूं लॉग 7 टू द बेस 7, तो इसकी वैल्यू 1। लॉग 4 टू द बेस 2, इसकी वैल्यू, जरा जवाब दीजिए, लॉग 4 टू द बेस 2, इसकी वैल्यू बताइए जरा। विवेक दास जी कह रहे सर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फॉर्मूला क्यों है, क्योंकि अगर बाय चांस कोई बुद्धिजीवी आ जाए, कोई बुद्धिजीवी आ जाए कहे कि जीरो बताओ, लॉग जीरो की वैल्यू क्या होगी, तो उसलिए इसने कहा कि इनफाइनाइट, उसकी वैल्यू कोई जज नहीं कर सकता। ठीक है विवेक जी, आप लोगों को कोई अलग से बात बताना बेवकूफी थोड़ी ना होती है, समझदारी कहलाती है, आप किसी चीज को समझिए। देखिए जितने मैंने बताया आपको सब चीज का यूज बता रहा हूं, लॉग जीरो, जीरो क्या होता है, व्हाट इज जीरो, जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, जीरो कभी एग्जिस्ट नहीं करता, जीरो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता, माइनस की क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं करती, तब भी तो उसके साथ डील करते हो ना, बात समझ में आ गई या नहीं। हाँ जी सर, जब कोई भी बेस नहीं होता तो 10
मान लेते हैं और सेम बेस हो तो आंसर वन, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ध्यान रखिएगा लॉग के साथ में अगर कांस्टेंट क्वांटिटी ऑफ कोई बेस गिवन ना हो तो 10 माना जाएगा, वेरिएबल क्वांटिटी ऑफ कोई बेस गिवन ना हो तो ई माना जाएगा। हाँ जी, बहुत लोगों ने इसका आंसर जवाब दिया सर 2। सर राधिका जी कह रही हैं बेस वाला समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा बेटा? पहली बात तो ये एक रूल है, कोई फॉर्मूला नहीं है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं ये एक रूल है, फॉर्मूले का इफ एंड बट होता है, रूल्स का कोई इफ एंड बट नहीं होता। ये एक रूल है, कोई फॉर्मूला नहीं है राधिका जी, पहली बात तो ये समझ लीजिए। मैंने आपसे एक सिंपल सी बात कही कि अगर ये दोनों वैल्यू सेम दिखाई दे तो इस पूरे की वैल्यू 1 के बराबर होगी। मैंने आपको एक छोटा सा एक मतलब उससे एग्जिस्ट नहीं, उससे रिलेट नहीं करता है, लेकिन सिंपल सा एग्जाम्पल दिया कि अगर आप किसी चीज को स्टैंडर्ड मानते हो, उस स्टैंडर्ड को उसी के ऊपर रखोगे तो हमेशा वैल्यू 1 के बराबर आएगी। भाई 10 को 10 से कंपेयर करोगे तो 1 ही तो होगा, 100 को 100 से कंपेयर करोगे तब भी 1 ही आएगा, 20 को 20 से कंपेयर करोगे तब भी 1 आएगा, 5 को 5 से कंपेयर करोगे तब भी 1 आएगा। तो ऐसे ही log a टू द बेस a की वैल्यू 1। अब मैंने आपसे पूछा log 4 टू द बेस 2 की वैल्यू बताइए। अब अगर ये दोनों वैल्यू सेम होती तो 1 आंसर हो जाता, लेकिन हमें पता है इस 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, टू द बेस 2। इस 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, टू द बेस 2। इस 2 को हम उठा के आगे ले आ रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 log 2 टू द बेस 2। ये वाली वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। तो आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। यहां तक सबको समझ में आ गया? यहां तक सबको समझ में आ गया हो तो M टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो D टाइप करिए। यहां तक सबको समझ में आ गया हो तो M टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो D टाइप करिए। यहां तक सभी लोग जवाब दे, जरा जरा सभी लोग जवाब दे, सबको समझ में आ गया बेटा जी। चलिए अब इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे लिखा होता मान लीजिए log 8 टू द बेस 2, जरा आंसर बताइए मुझे। log 8 टू द बेस 2, जरा आंसर बताइए मुझे क्या आएगा? log 8 टू द बेस 2, जरा आंसर बताइए मुझे क्या आएगा? और उसके बाद log 16 टू द बेस 2, आंसर बताइए मुझे क्या आएगा? उसके बाद log 32 टू द बेस 2, मुझे आंसर बताइए, तीनों का आंसर बताइए जरा फटाफट से। log 8 टू द बेस 2 का आंसर बताइए कितना आएगा? log 8 टू द बेस 2 का आंसर बताइए कितना आएगा? 3। वेरी गुड। कैसे आया? ये 2 की पावर 3 हो गया, 3 आगे चला गया, बाकी वैल्यू 1 हो गई। log 16 टू द बेस 2 का आंसर बताइए जरा मुझे। log 16 टू द बेस 2 का आंसर बताइए जरा मुझे। 4। वेरी गुड। अगर मैं आपसे पूछता log 32 टू द बेस 2 का आंसर बताइए मुझे। log 32 टू द बेस 2 का आंसर बताइए मुझे। बिल्कुल ठीक। 5, क्योंकि ये क्या बनेगा? 2 की पावर 5 बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर मैं कहूं log 1/8 टू द बेस 2, आंसर बताइए जरा मुझे। log 1/8 टू द बेस 2, आंसर बताइए जरा मुझे। log 1/8 टू द बेस 2, आंसर बताइए जरा मुझे। कोई है सीधा सा प्यारा सा मासूम सा बच्चा जो जवाब देगा? है कोई सीधा सा प्यारा सा मासूम सा बच्चा जो जवाब देगा इसको? जरा जल्दी से बताइए मुझे, जरा जल्दी से बताइए, जरा जल्दी से बताइए मुझे। log 1/8 टू द बेस 2, आंसर बताइए जरा जल्दी से मुझे, जरा जल्दी से आंसर बताइए। सबसे पहले प्रियांशी जी ने आंसर बताया -3। भाई कैसे हो गया? log, इसे क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, ऊपर जाएगा 2 की पावर -3 टू द बेस 2, ये -3 आगे चले जाएगा, बाकी वैल्यू 1 हो गई। तो इसका आंसर कितना आएगा? -3। इसका आंसर कितना आएगा? -3। यहां तक सबको समझ में आ गया हो तो M टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो D टाइप करिए। यहां तक सबको समझ में आ गया हो तो M टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो D टाइप करिए। यहां तक सबको समझ में आ गया हो तो M टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो D टाइप करिए। जरा जल्दी से टाइप करिए। और अगर बेटा जी देखिए, मैं आपको फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं, लेकिन अगर आपको बिल्कुल कोर रिलेटेड क्वेश्चंस चाहिए तो आपको क्या करना है, आप मेरे फुल कोर्स को परचेज कर लीजिए, उसमें आपको और बिल्कुल डीपली स्टडी कराऊंगा मैं, ठीक है ना। तो जहां तक आपके मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है मैं क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूं। इसको करने के बाद आप आराम से चैप्टर को समझने के लिए कैपेबल हो पाएंगे, कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दूंगा मैं।
लेकिन अगर आपको फुल कोर्स परचेज करना है तो सीयूसी की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे सीयूसी की वेबसाइट पे सीएमए फाउंडेशन का सिलेबस आपका जो है वो आप खरीद सकते हैं, उसमें अनलिमिटेड व्यूज होंगे, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। अच्छा मैं फिर क्वेश्चन एक पूछता हूँ, लॉग लॉग 8√2 to the base 2, चलिए बताइए आंसर कितना आएगा, लॉग 8√2 to the base 2, जरा जल्दी से आंसर बताइए, लॉग 8√2 to the base 2, जरा जल्दी से आंसर बताइए मुझे, लॉग 8√2 to the base 2 आंसर कैसे आएगा। आप ध्यान से देखिए, मुझे इस पूरे को 2 की पावर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, मुझे इस पूरे को 2 की पावर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, ये हुआ 2 की पावर 3, ये हुआ 2 की पावर 3, और ये क्या हुआ, ये हुआ 2 की पावर 1/2, ये हुआ 2 की पावर 1/2, दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, माने 3 + 1/2, 3 + 1/2 कितना हो गया, 3 + 1/2 कितना हो गया, 7/2, माने इसे लिख सकते हैं लॉग 2 की पावर 7/2 to the base 2, ये 7/2 आगे चला जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 7/2, आंसर कितना आएगा, 7/2। संजीव जी 3√3/2 आंसर गलत दिया है आपने, संजीव जी 3/2 आंसर गलत दिया है, अगर 3√2 लिखा है तो भी आंसर गलत है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, ये 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 1/2, दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो गई 7/2, आगे आ गया, ये आगे आ गया लॉग 2 to the base 2 की वैल्यू 1, आंसर 7/2। यहां तक सबको समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए, यहां तक सबको समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए, जरा जल्दी से जवाब दीजिए मुझे, सभी को क्लियर है या नहीं है, जरा सभी लोग जवाब दे बेटा जी, सभी को क्लियर है या नहीं है, किसी का कोई भी डाउट हो तो बताइए, किसी का कोई भी डाउट हो तो बताइए, वेरी गुड। चलिए अब फिर क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं, क्वेश्चन है लॉग लॉग 32√4 to the base 2, जरा आंसर बताइए मुझे, लॉग 32√4 to the base 2, जरा वर्बली आंसर बताइए। राधिका डंगड़ा जी कह रही हैं डी, क्या डाउट है बेटा जी, अगर आपको इसमें डाउट है इसका मतलब 100% आपने इंडाइसिस के टॉपिक को मिस किया है। राधिका जी अगर आप इंडाइसिस के टॉपिक को मिस करेंगे तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि बेस वहीं से बनेगा, आपको पावर्स के साथ खेलना सीखना है, अगर आपको पावर्स के साथ डील करना सीखना है अगर, तो आपको इंडाइसिस के टॉपिक को देखना ही पड़ेगा दोस्तों। मैंने वहां पे इंडाइसिस के छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन कराए, 6-7 क्लासेस ली है, क्यों, क्योंकि वहां से आप पावर्स के साथ डील करना सीखेंगे। तो राधिका जी, काजल जी, आपने डी लिख के भेजा है, वो आपको गलती, आपको वहां से अगर आप देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या गलती आप कर रहे थे, ठीक है ना। फिर भी मैं दोबारा कोशिश करता हूं आपको समझाने की, ध्यान से देखिएगा, ये 2 की पावर कितना है, 5, ये 2 की पावर कितना है, 5। अच्छा ये 2 की पावर कितना है, बड़ा जरा ध्यान दीजिए, इसको समझा देता हूं मैं यहां पर, रूट ए का मतलब क्या होता है, a की पावर 1/2, रूट ए का मतलब क्या होता है, a to the power 1/2। अच्छा अगर यहां छोटा सा 3 लिखा हो ऐसे यहां, तो इसे पढ़ते हैं क्यूब रूट, क्या पढ़ते हैं, क्यूब रूट किसका, a का, तो ये हो गया a to the power 1/3। अच्छा यहां छोटा सा अगर 4 लिखा है तो इसे क्या पढ़ते हैं, फोर्थ रूट, क्या पढ़ते हैं, फोर्थ रूट किसका, a का, इसका मतलब हुआ a की पावर 1/4। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही मान लीजिए यहां आ जाता हूं, यहां लिखा हुआ छोटा सा n और a, तो इसे पढ़ते हैं nth रूट, क्या पढ़ते हैं, nth रूट ऑफ a, तो ये क्या हुआ, a to the power 1/n हुआ। ऐसे ही अगर यहां लिख लीजिए, मान लीजिए यहां लिखा होता n, यहां लिखा होता a to the power m, तो इसे क्या पढ़ते हैं आप, nth रूट ऑफ a to the power m, nth रूट ऑफ a to the power m, तो ये a to the power कितना हो गया, m upon n, ये a to the power कितना हो गया, m upon n। बात समझ में आ गई दोस्तों, अब जरा ध्यान से देखिए, तो इसे क्या लिख सकते हैं, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 2 है, तो जरा ध्यान दीजिए,
इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे की बात, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसको अगर आप 4 को काट दे तो ये 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2/3, ये 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2/3। यहां तक सबको समझ में आ गया, पहले मुझे जवाब दीजिए, यहां तक सबको क्लियर है, जितने लोग बैठे हुए बच्चे जरा जवाब दीजिए, यहां तक सबको समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। यहां तक सभी को क्लियर है बेटा जी, किसी का कोई भी डाउट हो तो बताइए। अब जरा देखिए, ये दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 5 + 2/3 माने 3 × 5 = 15 और 2 = 17/3, बाकी आगे आ जाएगा log 2 टू द बेस 2, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, आंसर कितना आ गया 17/3, आंसर कितना आ गया 17। बेटा 5 + 2/3 तो 3 × 5 = 15 और 2 = 17/3 आएगा। दीपिका राज जी, दीपिका राज जी क्या दिक्कत है बेटा जी, दीपिका राज ने डी लिख के भेजा है, रोनाल्डो ने डी लिख के भेजा है, रोशनी जी ने एम लिख के भेजा है, रोहित शर्मा ने डी लिख के भेजा है, नहीं समझ में आया सर रूट वाला, तो बेटा जी पहले इंडाइसेस जाके टॉपिक करिए, पक्की पकाई वो 6 क्लासेस की चीज आपको 5 मिनट में समझ में आ जाएगी क्या, पहली बात तो मुझे ये बताइए, ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। इसको रब कर देता हूँ पूरे को, इसको भूल जाइए, जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले आराम से आपका बेस में क्लियर ही कर देता हूँ, कोई टेंशन मत लीजिए किसी भी तरीके की, इसको भूल जाइए। क्वेश्चन में दोबारा से लिख देता हूँ, क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ, लिखा है क्वेश्चन log 32√4 टू द बेस 2, ये पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या आएगी, यही क्वेश्चन था आपका। अब जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो अंडर रूट ऑफ ए, इस अंडर रूट ऑफ ए का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है ए टू द पावर 1/2, जैसे ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए मल्टीप्लाई बाय ए, ऐसे ही अंडर रूट ऑफ ए का मतलब क्या होता है, ए टू द पावर 1/2, बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर यहां छोटा सा 3 लिखा है तो इसे पढ़ते हैं क्यूब रूट, क्या पढ़ते हैं क्यूब रूट, किसका, ए का, तो ये हुआ ए टू द पावर 1/3, किसका क्यूब रूट हुआ, ए का, तो ये कितना हुआ, ए टू द पावर 1/3। ऐसे ही यहां छोटा सा अगर 4 लिखा है तो इसे पढ़ेंगे फोर्थ रूट, फोर्थ रूट किसका, ए का, तो ए की पावर कितना हो गया 1/4। ऐसे ही यहां छोटा सा 5 लिखा हुआ है तो इसे क्या पढ़ेंगे, फिफ्थ रूट, फिफ्थ रूट किसका, ए का, तो ए की पावर कितना हुआ 1/5, बात समझ में आ गई। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही सेम वे में चलता चला जा रहा है, यहां लिखा हुआ छोटा सा एन, तो इसे क्या पढ़ेंगे, nth रूट, nth रूट ऑफ ए, तो ये ए की पावर कितना आया 1/n, बिल्कुल सेम वे में अगर मैं यहां लिखूं छोटा सा एन और यहां लिखूं ए की पावर एम, तो ये क्या कहलाएगा, nth रूट ऑफ, nth रूट ऑफ ए टू द पावर एम, मतलब ए टू द पावर कितना हो गया, एम अपॉन एन हो गया, ए टू द पावर कितना हो गया, एम अपॉन एन हो गया। यहां तक क्लियर हो गया बेटा जी, यहां तक सबको समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए, यहां तक सबको क्लियर हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। पहले मुझे यहां तक का जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यहां तक सबको क्लियर है बेटा जी, किसी का कोई भी डाउट हो तो डी लिख के भेज सकता है, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, मैंने उसे तो सॉल्व किया ही नहीं है बेटा जी, ठीक है ना, बात समझ में आ गई ना, बात समझ में आ गई ना। चलिए अब जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको जरा ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ, लॉग, लॉग का लॉग, ये 2 की पावर कितना है 5 इनटू, ये 2 की पावर कितना है, ये इसे क्या लिखेंगे 2, तो ये हो गया 2 की पावर 2/3 टू द बेस 2। यहां तक सबको क्लियर है जरा जवाब दीजिए, यहां तक सभी को क्लियर है जरा जवाब दीजिए, समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। बेटा 1/3 नहीं होगा, ये 2 का स्क्वायर है, ये अगर 2 लिखा होता तो 2 की पावर 1/3 होता, यहां 2 का स्क्वायर तो ये 2 की पावर 2/3 हो जाएगा, बात समझ में आ गई या नहीं, क्लियर हो गई बात। चलिए अब जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी तो 5 + 2/3, जरा यहां लिख लीजिए 5 + 2/3,
एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 3 5 जा 15 और 2 17 बाय 3, माने इसे लिख सकते हैं log 2 की पावर 17 बाय 3 टू द बेस 2। अब ये 17 बाय 3 आगे जाएगा, ये 17 बाय 3 आगे जाएगा, जब 17 बाय 3 आगे जाएगा दोस्तों तो ये हो जाएगा 17 बाय 3 log 2 टू द बेस 2, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो आंसर कितना आएगा 17 बाय 3 आएगा, आंसर कितना आएगा 17 बाय 3 आएगा। यहां तक सबको समझ में आ गया हो तो M टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो D टाइप करिए। यहां तक सबको समझ में आ गया हो तो M टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो D टाइप करिए। यहां तक सभी को क्लियर है बेटा जी, यहां तक सभी को क्लियर है बेटा जी, वेरी गुड। बस आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में दोस्तों इसके लॉगरिथम के टॉपिक को हम लोग बाइंड अप कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में लॉग का टॉपिक जो होगा दोस्तों वो बाइंड अप हो जाएगा और उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे अपने स्टैटिस्टिक्स की, ठीक है ना। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय दोस्तों।